हर तरफ धुआं था, अंधेरा था, ऑक्सीजन कम होने लगी और हमारा दम घुट रहा था। जर्मनी के पैसे भी आपको दिलाएंगे, फिर वो एक इटली के अंदर भी हम केस कर रहे हैं दोबारा। अच्छा, तो उसमें भी आपको बुलाएंगे। अल्लाह से दुआ करो, बस अल्लाह पाक से हमारी दुआ। अजीत भाई, अब इतने चेक है, आज शहरों में इतना दम नहीं है कि अब हम मजदूरी कर लें। बस लोगों को इस तरीके से काम कराने, जैसे कंपनी का अंदर किया, बस कह दिया कैद में बंद हो गए। इस तरीके से काम होता था वहाँ पर, किसी किस्म का कोई सहूलत नहीं था, किसी किस्म की कोई वो नहीं था। किसी ने ये कंपनी की तरफ से ये बोला, किसी का कोई भाई या सेठ आया, हमारे जख्मों पे मरहम रख देते, अगर वो हमसे मिल जाते ना, हमसे बात करते, हमारे जख्मों को मरहम रखते ना, तो हम ये शायद हो सकता था, शायद उनको ख़त्म कर देते। 3 दिन के बाद हमारे को डेड बॉडी मिली, वो भी अब्बास से। ये नहीं मान रहे हैं, हेडिंग शुरू होने वाली है, वकील साहब कॉल नहीं उठा रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ। लेबर कोर्ट आ रहा है, हाई कोर्ट जो है बंदा मर जाता है, 20 साल गुजर जाने के बाद उसके नंबर आता कि फला बंदा को बोला के देख रहा, तो बंदे पता है क्या लेके जाते हैं, उसकी डेथ सर्टिफिकेट। Dieses Verfahren ist darum exemplarisch, weil es zum ersten Mal darum geht, tragen Unternehmen überhaupt eine rechtliche Verantwortung für ihre Zulieferbetriebe? Ich bin Vice President Association ki nahi hu, sirf main ek maa bhi hu. Hamara beta bhi maine khoya hai. Kyunki hamare bete ek hi beta tha. Hum bahut jagah gaye aur aaj Germany mein. ये हमारी किक के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक वजह नहीं है, 2 वजह है। ये इन शहीदों को इंसाफ दिलाऊं और आने वाले कल के लिए, ये इस तरह का वाकया अली इंटरप्राइज की तरह, हमारी तरह सारी जिंदगी किसी को रोना ना पड़े। आप क्या सवाल कर रहे हैं? क्या लगता है कि कुछ हो जाएगा या केस हार जाएंगे? एक देहाती वाला सवाल है। They are asking if there are chances they are going to win the case. Are chances? Yeah. Good. अच्छे चांसेस हैं। Yes. अगर हम दहशतगर्दी समझते हैं और आप भी बोलते हो, तो फिर 6 साल हो गया, मुजरिम को क्यों नहीं बुलाया गया कोर्ट पे? मुजरिम क्यों नहीं पकड़े गए? क्यों अभी तक मुस्लिम बाहर घूम रहे हैं और हम अपने बच्चों के लिए रोडों पे खड़े आंसू बहा रहे हैं? कपड़ा तो पहनना नहीं छोड़ोगे, लेकिन पहनोगे जरूर, मगर इस कपड़े पहनने से पहले देखो कि इस कपड़े के अंदर कोई मजदूर की खून तो नहीं लगी हुई है। लेकिन जब तक है हमारे एक बूंद खून, हम लड़ेंगे और इन सब को कानून भी बनाएंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारी मदद करें।